हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे इस वीडियो में आपको बताएंगे पी टू पी ट्रांजेक्शन अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रहना चाहिए, और आपके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है क्योंकि इसमें आपको अगर आप फ्यूचर में वजीरेक्स में पी टू पी ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों के अवेयर होने चाहिए। क्योंकि हम भी जब पी टू पी पहली बार ट्राई कर रहे थे तो हम भी थोड़ा मतलब कुछ हम भी कन्फ्यूज हो गए थे, तो इसलिए हम इसमें आपको बताना चाहेंगे इस वीडियो में कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो उससे पहले ये कहना चाहेंगे जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और वजीरेक्स की एप्लीकेशन जो लोग अभी नहीं यूज़ कर रहे हैं और तो मतलब यूज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी बेनिफिशियल एप्लीकेशन है। क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के लिए काफ़ी मतलब आपको ज़्यादा हेल्प करेगी अर्न मनी के लिए, और आपको ज़रूर डाउनलोड करनी चाहिए। और इसमें स्टार्ट आप कर सकते हैं 100 रुपये से। ओके, तो यहाँ पे पहले हम पी टू पी के बारे में बता देते हैं। तो आपको यहाँ पे फंड के सेक्शन में जाना है, INR के सेक्शन में जाना है उसके बाद, और यहाँ पे जो डिपॉजिट होता है डिपॉजिट में हम चले गए तो यहाँ पे एक आपको जो होता है ट्रांजेक्शन दिखेगा, ठीक है। तो मतलब पेमेंट मोड होता है इतना का पी टू पी वाला। ओके, इसमें बाय सेल होती है USDT। ओके, तो हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम गए थे तो यहाँ पे हम पी टू पी ट्रांजेक्शन हम भी करना चाह रहे थे, तो हमने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया जो आया था हमारा, और उसके बाद एक्स आई डी बनाने वाली चीज़ हमने कर दी थी। उसके बाद जब हम पे कर रहे थे तो पेमेंट होते होते हुआ क्या, मतलब पेमेंट का सेलर मैच होता है, ठीक है, सेलर मैच इसमें होता है, और सेलर मैच हुआ फिर उसके बाद आपके पास एक कॉल आती है। ओके, तो मेरे पास जो कॉल आई थी मतलब फिर वो कट गई एकदम से, और उसके बाद एकदम से वो जो पेमेंट कैंसिल हो गई, लिख क्या था योर पेमेंट हैज़ बीन कैंसल्ड इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बार मेरे साथ ही, दूसरी बार भी यही हुआ कि मेरे जो हम पेमेंट करना चाह रहे थे तो वो भी कैंसिल हो गई थी। ओके, तो मे भी ये जो सेलर ने आई थिंक करा था या कोई नेटवर्क इशू की वजह से हुआ था, आई डोंट नो क्या इशू था वो, लेकिन दो बार मेरी ये जो थी ये कैंसिल हो गई थी, ठीक है। तो मेरे को पैसे नहीं कटे थे, लेकिन पैसे कब कटते हैं आपको ये बताना चाहेंगे। ओके, आपको किन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जैसे आप स्क्रीनशॉट एक देख सकते हैं, ये है 16 USDT जो पेमेंट है जो करा जाता है, मतलब पहला जो आप USDT खरीदते हैं तो आप 16 USDT एग्जैक्ट 16 USDT खरीदते हैं, आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और यहाँ पे अगर आप नहीं करते हैं ना, मैं मान लीजिए कि आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है कि यू डिड नॉट मेक पेमेंट, रेड कलर देख सकते हैं, यू डिड नॉट मेक पेमेंट आफ्टर क्लिकिंग येस आई विल पे बटन, यानी येस आई विल पे बटन पे आपने क्लिक कर दिया और आपने पे भी नहीं करी, यानी आपने कह दिया कि हम पैसे पे करेंगे और पैसे आपने पे भी नहीं करे, इस वजह से आपके 10 USDT जो है आपके कट रहे हैं। तो ये जो चीज़ कटती है इसी वजह से कटती है क्योंकि आप येस आई विल पे क्लिक कर देते हैं और पे नहीं करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे 10 16 USDT आप क्या पेमेंट करना चाह रहे थे। ओके, अब देख सकते हैं ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि यस आई पेड, दो बार पूछा जाता है येस आई विल पे और येस आई पेड, यानी मतलब दो बार कंफर्मेशन किया जाता है। और अगर आप नहीं मान लीजिए कहाँ पेमेंट करने के लिए और पेमेंट आप किसी वजह से नहीं कर पाए, नेटवर्क इशू की वजह से, या फिर आप कह सकते हैं कि आप नेट बैंकिंग आप नहीं यूज़ कर पा रहे, मतलब IMPS का भी एक ऑप्शन आ जाता है ना, तो आप नेट बैंकिंग आपके पास है ही नहीं तो नहीं आप पे कर पाते हैं पेमेंट डिटेल देखने के बाद, तो आपके पैसे कटते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहली चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए यहाँ पे वो एक आप यहाँ पे IMPS जो पेमेंट मोड आता है ना उसमें आपको नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना पड़ती है, मतलब आपकी जो मोबाइल एप्लीकेशन होती है बैंक की उससे मनी ट्रांसफ़र करना होता है, आपके पास वो होनी चाहिए। ओके, ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे सेलर डिटेल हमारे पास है, ठीक है। ये तो चलिए UPI है, UPI तो आप पे कर सकते हैं, और हालांकि UPI भी अगर आपको पे करनी है तो गूगल पे यूज़ करना होगा क्योंकि पॉइंट में पैसे पे करने ना ऊपर होने चाहिए पैसे ना नीचे, देख सकते हैं यहाँ पे 1,200.50 पैसे, तो यहाँ पे आपको इतने ही पैसे पे करने हैं। इससे अगर आप कम ज़्यादा करेंगे राउंड फिगर में तो वो ट्रांजेक्शन मतलब वो मतलब आपके पैसे मतलब वेस्ट हो सकते हैं क्योंकि आप यहाँ पे कंफर्म नहीं होगी ये चीज़, आपको उतने ही पैसे पे करने हैं। और यहाँ पे पेमेंट रिमार्क देख सकते हैं F7BE करके कुछ लिखा हुआ, ये चीज़ आपको वहाँ पे जो है उसमें डालना होता है जो गूगल पे में एक जगह पे ऑप्शन आता है रिमार्क्स का। ओके, आपको इन छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना है, और आपको पे करने पैसे गूगल पे से जब आपका UPI का ऑप्शन आएगा, IMPS के लिए आपको उसमें आपको मोबाइल बैंकिंग जो होती है नेट बैंकिंग उसका यूज़ करना है। ओके, ये तो हो गई बात इसकी। मान लीजिए अगर आपने कह दिया कि यस आई हैव पेड और आपने नहीं पे किया तो आपके 10 USDT की पेनल्टी लग जाती है, तो आपको P2P ट्रांजेक्शन बहुत ध्यान से करना हो क्योंकि अगर आप इसमें मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि 1 घंटे का टाइम मिलता है पैसे पे करने का, हफ्ते टाइम में आप पैसे नहीं पे करेंगे ना तो आपकी जो है यहाँ पे 10 USDT की पेनल्टी लग जाती है। तो आपको बहुत ध्यान से जो है वजीरेक्स में इस चीज़ का मतलब इस चीज़ को यूज़ करना है, वरना बहुत से लोगों के जो है पेनल्टी लग चुकी है इसी मिस्टेक की वजह से। और मिस्टेक वो लोग क्या करते हैं, एक तो ये पेमेंट मोड वाला इशू आ जाता है कि उनके पास नेट बैंकिंग नहीं होती और वो सिर्फ गूगल पे फ़ोन पे होता है उनके पास, वो लोग नहीं कर पाते पे। दूसरा ये होता है कि नेटवर्क इशू भी होता है,
और तीसरा ये इशू हो जाता है कि वो मान लीजिए कह देते हैं कि हमने पे कर दिया और उन्होंने पे भी नहीं करा होता है, ठीक है, ये मिस्टेक करते हैं वो, और इस वजह से इनके जो है 10 USDT कट जाती है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा इस चीज़ पे। YouTube पे आप सर्च करके 2-3 वीडियो देख लीजिए कि कैसे आपको पे करना है USDT, मतलब P2P ट्रांजेक्शन कैसे करना है, तो तभी आप करिएगा बिल्कुल ध्यान से। ओके, तो कैसे यहाँ पे वीडियो को एंड कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।